पिछली तफसीर से सब कुछ क्लियर है, कोई सवाल है पूछना चाहते हैं? जी, अगर कोई सफर ऐसा है आपका कि जिसमें आपकी 12 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, वो प्लेन में भी होता है, वो गाड़ी में भी हो सकता है और वो ट्रेन में भी हो सकता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप अपनी सीट पर बैठे बैठे ही किबला नुमा से किबला मालूम कर लें और अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज शुरू कर लें, और फिर सवारी जिस भी तरफ मुंह कर जाए, यानी किबले की कोई डायरेक्शन को फॉलो ना करे, तो भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आप बैठे बैठे नमाज पढ़ेंगे, प्लेन में इतनी जगह नहीं होती कि आप प्रॉपरली रुकू कर सकें, इवन क़याम भी आप नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, यानी इशारे से नमाज होगी। ऐसी सूरत हाल में जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप सारी नमाजों को जमा कर लें। जब आप सारी नमाजों को जमा कर लेंगे तो जिस जगह आप पहुंचेंगे वहां पर आपका पहला काम क्या होगा, अपने आप को फ्रेश करके, वजू करके आपने पहले नमाज पढ़नी है और तरतीबवार नमाज पढ़नी। मसलन आप यहाँ कराची शहर से कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं या दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ठीक है, अब सफर में आपने जो नमाजें जमा की हैं जितनी भी, आप उस दूसरे शहर जाकर जमाशुदा नमाजों को तरतीबवार पढ़ेंगे कसर करके, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर से अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, अपने सिटी में वापस आ रहे हैं, और आप दौरान सफर अपनी नमाज को जमा करते जा रहे हैं, तो फिर आपने अपने घर आके पूरी नमाज पढ़नी है। लेकिन चूंकि वो नमाजें फौतशुदा हो जाती हैं, इस वजह से उसमें सुन्नतें नहीं होती। सुन्नतों की कज़ा उम्मत को नहीं दी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती लेकिन उम्मत को नहीं दी गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी थी कि आपको सुन्नतें भी अगर छूट जाएं तो कज़ा करनी होती थी। इनका पहला सवाल ये है कि सफ़र कितने दिन पर मुहित हो तो हम कसर कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर वो सफ़र नहीं रहता, तो हम फिर कसर ना करें। सफ़र सफ़र है, सफ़र आपका एक दिन का हो, तीन दिन का हो, सात दिन का हो, दस दिन का हो, पचास दिन का हो, दो महीने का हो, आप मुसाफिर हैं तो आप कसर ही करेंगे। इस बात में इख्तलाफ कुछ स्कॉलर्स करते हैं, और वो ये दलील देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तो आप 19 दिन ट्रैवलिंग में थे और आपने कसर किया था, तो 19 डेज का जो सफर होगा तो आप कसर कर सकते हैं। लेकिन अबव 19 डेज, यानी 19 दिन से ऊपर 20 दिन का सफर होगा तो आप डे वन से मुकीम हैं, पहले दिन से आप क्या हैं, मुकीम हैं, तो आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जी तीन दिन का सफर होता है, अगर आप 8 दिन के लिए मसलन कहीं गए हैं तो आप 3 दिन तक मुसाफिर हैं, फिर मुसाफिर मुसाफिर नहीं रहता, फिर वो मुकीम हो जाता है, तो 3 दिन तो वो सफर के कसर करेगा, चौथे दिन से क्या शुरू करेगा, पूरी नमाज पढ़ना शुरू करेगा। अब ये सारी बातें मुख्तलिफ राय मिलती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें नहीं मिलती। इनका दूसरा सवाल ये है कि अगर हम पंजाब वगैरह जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, हम इतने कंफर्टेबल होते हैं कि अगर हम पूरी नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो क्या इस सूरत हाल में भी हमें कसर करना होगी? आप मुझे इतना बताइए कि आप किसी के भी घर चले जाते हैं, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, आप अपने घर जैसी फीलिंग्स रखते हैं? फिर आप क्या हुए, मुसाफिर हुए, जवाब मिल गया होगा आपको, ठीक है। आप अनकंफर्टेबल होते हैं, चाहे आप दूसरे शहर में अपनी बहन ही के घर क्यों ना जाएं, क्यों आपका अपना कोई सेटअप वहाँ नहीं होता, आपके कपड़े बैगों में पड़े होते हैं, आप वहाँ से उठा रहे हैं, कभी बच्चे को इधर बिठा रहे हैं, कभी बच्चे को उधर बिठा रहे हैं, कभी आप खुद इधर हो रहे हैं, कभी आप घर वालों को मैनेज कर रहे हैं, कभी घर वाले आपको मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन्हीं डिफ़िकल्टीज को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने ये रुख्सत दी है, तो इन रुख्सतों को इस्तेमाल करने में कोई दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। देखिए, आपको जमा तकदीम और जमा ताखिर ये दो ऑप्शंस दिए गए, उसमें आप अपने दिल से पूछें कि क्या वाकई आपको नमाज
ऑन टाइम पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप जमा तकदीम करेंगे और जमा ताखीर करेंगे, यानी एक नमाज आप जमा तकदीम कर लेंगे, जोहर के साथ आप असर को मर्ज कर लेंगे, और इसी तरह से आप इशा के साथ मगरिब को मर्ज करेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जोहर के साथ असर, मगरिब, इशा सारी पहले से पढ़ लें, नहीं तो भी नहीं, तो भी नहीं, तो भी आपको क्या करना होगा कि आप जोहर के साथ, आपके पास एक ऑप्शन क्या होगा कि आप असर को पढ़ लें, देन यू हैव अ लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम आप यूटिलाइज कर लें, फिर उसके बाद अगर इन केस आपको मगरिब और इशा पढ़ने का मौका नहीं मिलता और वो मौका आपको फजर में पढ़ने का मिलता है नमाज, तो फिर आप फजर की नमाज से पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर मगरिब के बाद आप इशा पढ़ेंगे, फिर इशा के बाद आप फजर पढ़ेंगे, यानी जो फौजशुदा नमाजें होती हैं ना, जो वो पहले से आपको गुमान करके नहीं पढ़ना है कि जी फौत होने वाली हैं नमाजें तो मैं पहले से पढ़ लूँ, ऐसा नहीं। हाँ, एक नमाज का ऑप्शन है, जोर के साथ आपने असर पढ़ ली। जी जी बिल्कुल, उम्रे पर आप जा रहे हैं, ये भी सफ़र है, आप अपनी आबादी को छोड़ रहे हैं, जितनी भी ट्रैवलिंग है आपकी आप उसमें नमाज को कसर ही करेंगे। अब आप जब हरम में नमाज पढ़ते हैं तो चूंकि इमाम मुकीम है तो आप उसके पीछे पूरी नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी होटल में नमाज पढ़ रहे हैं तो अब आप कसर पढ़ेंगे। जी, चाहे कुछ घंटों पर ही क्यों ना हो, अब आप हैदराबाद तो शायद 4-5 घंटों में पहुंचे बाय रोड, आप लाहौर 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट से, तो फिर तो मेरे ख्याल में लाहौर करीब हो गया, तो भी कसर है। देखिए, कसर के पीछे जो एक आपको अपना माइंडसेट रखना है वो ये है कि आप कोई भी सफ़र इख्तियार कर रहे हैं उसमें आपका कंफर्ट जोन कम होता है, यानी आप अनकंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, आप आराम और राहत से दूर होते हैं, आप अपने घर की सेटिंग से दूर होते हैं, तो आपको कंफर्टेबल कर रहे हैं अल्लाह ताला, तो जहाँ अल्लाह ताला को अपनी अजीमतें पसंद है ना, वहाँ अल्लाह ताला को अपनी रुखसतें भी बहुत पसंद हैं। वैसे आप अपनी ज़िंदगी में अजीमत वाला अमल करते हैं अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको रुखसत दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची क्या बात है। जी, यहाँ से किसी ने हाथ उठाया था। जी कितनी होती हैं इशा की रकातें, चलें गिनवाएं। ठीक है, मसलन नहीं, गिनवाएं मुझे, 12 रकातें, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वितर, ये तो कितने हो गए, 17 हो गए, आपने 12 कैसे कहा है। 17 रकतें जो हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बचपन से हमें ये रकतें गिनवाई गई हैं, लेकिन ये इतनी रकतें नहीं हैं, ठीक है। अभी किस तरह से इसकी तरतीब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 4 फर्ज तो आपको अदा करनी है, फिर उसके बाद जो 2 सुन्नतें हैं ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, मुअक्कदा का मतलब होता है ऐसी सुन्नतें जिसकी ताकीद की गई है, और इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी तारीफ ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अक्सर पढ़ा और उजर के साथ छोड़ा। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रही हैं तो क्या करेंगी, अक्सर पढ़ेंगी और उजर के साथ छोड़ेंगी, यानी कोई रीजन होगा आपके पास छोड़ने का। फिर उसके बाद वितर हैं, वितर आप नहीं छोड़ सकते, याद रखिएगा वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वितर का कोई ताल्लुक इशा की नमाज से नहीं है, वितर तो दिन की आखिरी नमाज है, आप उसको छोड़ दीजिए, चाहे तो इशा के साथ पढ़ सकती हैं, एक वितर पढ़ सकती हैं, चाहे तो 3 पढ़ सकती हैं, चाहे तो 5 पढ़ सकती हैं, चाहे तो 7 पढ़ सकती हैं, चाहे तो 9 पढ़ सकती हैं, वितर की कम अज कम तादाद 1 है और ज्यादा से ज्यादा तादाद 9 है। वितर के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं ये तो है ही नहीं, जाने कहां से आई, एक रिवायत मिलती है कि स्पेशलिटी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्मत को तो इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं इसकी। वितर को आखिरी नमाज बनाओ से क्या मतलब है, क्या मतलब है इससे, इसके बाद कोई नमाज नहीं, ठीक है। अब आप अगर डेली बेसिस पर जो इशा पढ़ रही हैं उसकी डिटेल्स यू होंगी, सबसे पहले तो आप 4 फर्ज पढ़ेंगी, ठीक है, फिर 2 सुन्नतें पढ़ेंगी और फिर वितर पढ़ेंगी, नमाज खत्म,
अब आप मुझे पूरी नमाज़ नबी यहाँ पढ़वाएंगे तो फिर नमाज़ नबी ही का पूरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। वितर एक रकत, सिंपल जैसे एक रकत पढ़ी जाती है वैसे पढ़ी जाती है। तीन वितर पढ़ने के दो तरीके हैं, मैं मुख्तसरन बता देती हूँ। तीन रकतें पढ़ें, शुरू करेंगे एक तशहुद एक सलाम के साथ, यानी आपने नमाज को शुरू किया और तीसरी रकत पर उसको अख्तिताम किया, एक तशहुद एक सलाम। दूसरा जो तरीका है तीन वितर पढ़ने का, उसको आप दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहले आप दो रकत पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ के सलाम फेर लेते हैं, फिर आप एक रकत अलग पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ के सलाम फेरते हैं, दो तशहुद दो सलाम के साथ। वाजे। जो एक और तरीका है तीन वितर पढ़ने का, उसको आप दो में डिवाइड करते हैं। पहले आप दो रकतें पढ़ते हैं, फिर आप एक रकत पढ़ते हैं। कितनी हो गई? तीन। दो और एक तीन हो गई ना। तो दो रकत पढ़ के तशहुद पढ़ते हैं ना, तहियात पढ़ते हैं, तो सलाम फेर लेते हैं। जैसे आप दो रकत पढ़ते हैं सिंपल वैसे पढ़ते हैं, फिर एक रकत अलग से पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से पांच रकत जो पढ़ी जाती है वो एक साथ पढ़ी जाती है। शुरू की पहली रकत, खत्म कहाँ करेंगे? पांचवीं रकत पे। सात वितर पढ़ने का भी यही तरीका है कि आप शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कह के शुरू करते हैं और सातवीं रकत पे उसको खत्म करते हैं। ठीक है। नौ वितर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। जब आप आठ रकतें पढ़ लेते हैं, शुरू से लेकर आठ रकतें पढ़ लेते हैं, तो एक तशहुद पढ़ते हैं बस, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर नवी रकत पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं। नौ वितर पढ़ने का थोड़ा सा तरीका फर्क है। पहली रकत जो आप शुरू करते हैं कब तक कंटिन्यू करेंगे? आठवीं रकत तक। और आठवीं रकत पर आप क्या पढ़ेंगे? तशहुद पढ़ेंगे, पर सलाम नहीं फेरेंगे, नवी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। और नवी रकत पढ़ के फिर आप तशहुद पढ़ेंगे पूरा तशहुद और फिर सलाम फेरेंगे। तो ये नौ वितर पढ़ने का तरीका ये होता है, एक दो तशहुद एक सलाम। नमाज से रिलेटेड इतनी फ्रीक्वेंट नॉलेज आपको तभी मिल सकती है जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। एक वितर भी पढ़ते होंगे आप, तीन वितर को आप दो तरीकों से पढ़ते होंगे, फिर पांच और सात वितर को पढ़ते हों, फिर इसी तरह से नौ वितर भी कभी आप पढ़ते हों, तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी, वो चीज़ आपके अमल में आ जाएगी, तो फिर आप भूलते नहीं। अगर आप बहुत बीमार हैं, आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो सूरत हाल में आप एक नमाज के साथ दूसरी नमाज को जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। मसलन आपने तीन फर्ज पढ़े मगरिब के, फिर आप दो सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप चार फर्ज इशा के पढ़ेंगे, फिर आप दो सुन्नतें पढ़ेंगे इशा के। आप बीमारी की हालत में कसर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप मगरिब के साथ इशा को जमा कर रहे हैं तो उस वक्त आप उसको क्या बोलेंगे? और इशा के वक्त अगर आप मगरिब को जमा करें तो उस वक्त क्या बोलेंगे? इसका कोई नाम सुन्नत से मिलता नहीं है, बस ये कहा जाता है कि हम जमा तकदीम कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ने इसका नाम जोहरैन और मगरिबैन रखा है, लेकिन ऐसा सच कोई हमारे दीन में इस चीज की बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी। नमाज़े मगरिब में असर पड़ सकते हैं, कज़ा कर सकते हैं, सुनने में आया है मगरिब और फजर में कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दें इस सवाल के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि जो ममनुआ औकात होते हैं नमाज के, उसमें आप नमाज को कैसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि अगली तफसीर मेरी उसी से रिलेटेड है, वो अगर आप इजाज़त देंगे पढ़ाने की तो। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि आप मगरिब में असर पड़ सकते हैं किस एतबार से? अगर आपकी नमाज किसी वजह से लेट हो गई है और मगरिब में बस अब एक मिनट बाकी है और आपने अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ ली, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा वाज है, इंशाल्लाह इसको रख लीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में किसी रिश्तेदार के घर हैं, चाहे वो आपको कितना भी कंफर्टेबल कर दे, आपको कसर ही पड़नी है। अगर आप हॉस्पिटल में किसी के साथ हैं, तो क्या वहां पर शहर में रहते हुए भी कसर कर सकते हैं? देखिए, शहर में रहते हुए तो कसर है ही नहीं। प्लीज इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि कसर नमाज सिर्फ और सिर्फ सफर के साथ है, और सफर भी कौन सा? जब आप अपनी आबादी को छोड़ दें। जी, इनका सवाल ये है कि जो मर्द हजरात फॉर बिजनेस पर्पस या जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते हैं, इवन स्टडीज के लिए भी कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, 2-3 साल वहीं रहते हैं, तो क्या वो कसर पड़ेंगे? इस सूरत हाल में इनको इस बात पर गौर फिक्र करना होगा कि उनका वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड क्या है।
लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि क्या वो वहां पर एज रेजिडेंस रह रहे हैं, उनका अपना घर है वहां पर, ठीक है, वो ऐसे ही सेट हैं जैसे वो कराची में सेट होते हैं, ठीक है, होता है ना एक इंसान के दो शहरों में घर होते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। बस वो जो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग है ना, वो जो एक जगह से दूसरी जगह का जाने का जो मामला है ना, सिर्फ उस दौरान फिर कसर होगा, फिर ये कि दोनों जगह पर उस बंदे की रेजिडेंस है तो उस सूरत हाल में फिर वो हाँ। लेकिन अगर वो वहाँ जाके किसी होटल में ठहर रहा है या वो उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, तो उसको जैसे तैसे खाना पड़ता है, रूम डिवाइड करके जो लोग मिल मिला के रहते हैं, तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन में चाहे वो 2-3 साल के लिए क्यों ना हो, वो कसर करेगा। अच्छा, जब आप सफ़र करते हैं तो वाकई आप सफ़र करते हैं, ये वो इंग्लिश वाला सफ़र, एक अभी उर्दू वाला कह रही थी मैं, पहले मैं कह रही थी कि जब आप सफ़र करते हैं तो वाकई आप सफ़र करते हैं, यानी आप टेंशन में होते हैं, आप डिफ़िकल्टीज़ को बेयर करते हैं, तो वो चीज़ जो है आपको आपका सफ़र बताएगा। मसलन अगर कोई लड़की या मैका उसका कराची में, लेकिन ससुराल लाहौर में, अब वो ससुराल के साथ रह रही है, वहाँ उसका अपना घर बन गया, लेकिन जब वो अपने मैके आती है, उसका अपना कमरा है, वो अपनी सेटिंग है, पूरी सारी तरतीब उसकी वैसी है, उसको लगता ही नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल है, उसको ऐसे लगता है मैं अपने घर ही आई हूँ, तो खैर ये कौन सा ऐसा सफ़र है जहाँ मैं रेजिडेंस फील कर रहा हूँ अपने आप को, तो फिर मुझे कसर नहीं करना चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे हैं? बल्कि मैं आपको ये कहूँगी घर से भी ज़्यादा अच्छी सहूलत होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सफ़र है। अगर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ आप मुसाफिर हैं, आप मस्जिद चले गए हैं, मस्जिद में इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मुकीम है वहाँ के, तो आपने पूरी नमाज पढ़नी है। जी जी जी, अकेले पढ़ेंगे तो आप कसर पढ़ेंगे, जब आपकी फजर लेट हो रही है तो आपने ऑब्वियसली पहले फ़र्ज़ अदा करने, और फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप सुन्नतें पढ़ेंगे। ये तो तब भी हो सकता है जब आप जमात में शामिल हो रहे होते हैं, मसलन आप हरम में हैं, आप उमरे पे गए हुए हैं, आप मस्जिद पहुंचे तो सुन्नत पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिला, सफ़र में आपको फजर की 2 सुन्नतें पढ़नी, जी पढ़नी है। तो अगर आप हरम गए हैं, हरम में आप सुबह फजर में पहुंचते हैं मस्जिद हराम में, और वहां पर जमात खड़ी होने को तैयार है, आप चूंकि सफ़र में हैं, फजर की 2 सुन्नतें आपको पढ़नी हैं एज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्शन, तो आप अब सुन्नत नहीं पढ़ सकते क्योंकि इमाम ने तो अल्लाहु अकबर कह के जमात शुरू कर दी। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको जमात से नमाज पढ़नी है, फिर जैसे ही आप नमाज मुकम्मल कर लेंगे देन आप सुन्नतें पढ़ेंगे। तो जहर, असर और इशा में कसर होगी, 4 रकतें 2 में तब्दील हो जाएंगी, और मगरिब और फजर एज इट इज रहेगी। मगरिब की सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी पर फजर की सुन्नतें पढ़ी जाएंगी और वितर भी पढ़ी जाएगी। इनका सवाल यह है कि मुझे मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, तबीयत का इशू है कोई, ठीक है, और बहुत बीमार भी मैं रहती हूँ, दवा की वजह से ऐसा होता है, तो नींद का गलबा बहुत ज़्यादा हो तो मैं मगरिब में इशा पढ़ लिया करूँ? ये देखें, ये एक आपका पर्सनल इशू है, इस पर्सनल इशू की कितनी सेंसिटिविटी है ये मैं आपको इस सवाल से नहीं बता सकती। आपको लाजमन किसी आलिम के साथ बैठ कर इसको डिस्कस करना चाहिए पहली बात, अगर आपको ख़ुद को समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है, किसी डॉक्टर के हवाले से आपके पास वो कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि उस मेडिसिन में इतनी नींद है कि अगर आप पूरा ना करें तो आप बीमार हो जाएंगे, तो ही इसका जवाब दिया जा सकता है। यानी ये वाकई उज़र है अगर, तो आप जमा कर लें, और अगर आप इसमें अपने आप को सेटल कर सकते हैं तो अल्लाह वसत देने वाला है। देखें, तहसीर में जहाँ ये किलोमीटर्स के हवाले से बात हुई, तो इससे पहले ये भी मेंशन किया गया कि इसमें इख्तलाफ है, ठीक है, ये भी मेंशन किया गया उसमें। पहली बात तो ये है कि पहले लोग सफ़र जो थे वो ऊँटों पर, घोड़ों पर किया करते थे, और मदीना सिटी इतना था जितना आज आप मस्जिद नबवी को देख रहे हैं, मदीना सिटी बस इतना ही था, जितनी बड़ी अभी मस्जिद नबवी है ना, इतना ही ये मदीना सिटी था, उसके बाहर जो भी था वो आउट ऑफ सिटी था। तो पहले के सफ़र से आप अब के सफ़र को अगर
कुछ मिलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत चेंज हो गया है मामला। अगर सफ़र कर रहे हैं हम तो एक उसूल याद रखना है कि बस आपने अपना सिटी छोड़ दिया है, अपना गांव भी छोड़ दिया है, गांव की भी एक बाउंड्री होती है। ठीक है जी। जी अगर आपके वितर छूट गए, आपने छोड़ के रखे थे कि आप तहज्जुद में पढ़ेंगे और आपकी आंख फजर पे खुलती है, तो अब आप पहले वितर पढ़ेंगे और वितर की तादाद एक होगी, फिर उसके बाद आप फजर की दो सुन्नतें पढ़ेंगे और फिर आप फर्ज पढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी बिल्कुल फजर के आखिरी वक्त में नमाज के लिए आंख खुलती है। अब आपकी तो वितर भी बाकी है और आपकी सुन्नतें भी बाकी हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज अदा कर सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फ़र्ज, ताकि आप वक्त के अंदर नमाज को पढ़ लें। ठीक है, फिर इसके बाद आप दो सुन्नतें फजर की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप वितर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वितर छोड़े वो हम में से नहीं, तो वितर तो पढ़ना ज़रूरी है। अब आप वितर को ताकदत में नहीं पढ़ सकते, ऑड नंबर्स में नहीं पढ़ सकते, अब आपको इसको एक की बजाय दो रकत करके पढ़ना होगा। ये भी हदीस है, ये हदीसें ऑथेंटिसिटी पे मिलती हैं कि अब आप एक वितर नहीं पढ़ेंगे, एक वितर की कितनी रकतें पढ़ेंगी? दो, क्योंकि अब डे टाइम शुरू हो गया है, दिन का वक्त शुरू हो गया है, दूसरा दिन शुरू हो गया है। अब आप अगर सुबह एक वितर पढ़ेंगी फजर के बाद और रात को एक वितर पढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? ताकदत से किस पर चला जाएगा? जुफ्त पर चला जाएगा, यानी जो पूरे दिन की नमाज को ऑड नंबर्स पर ख़त्म करना है वो मामला रात के वितर के साथ गड़बड़ में आ जाएगा। तो इसीलिए अब आप सुबह वितर पढ़ रही हैं, फजर के बाद आपको मौका मिल रहा है तो आपने दो रकत पढ़नी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रात को जब आप वितर पढ़ेंगी तो वो इवन नंबर्स पे शिफ्ट ना हो जाए। इवन कहते हैं जुफ्त, जुफ्त यानी दो, चार, छः, आठ, दस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नमाज को वितर से एंड करो। वितर मतलब ऑड नंबर्स, एक, तीन, पाँच, सात, नौ। और इसकी वजह यह है कि अल्लाह वितर है और वितर को पसंद करता है। लेकिन अगर आप एक आइडियल सिचुएशन में हैं और आपके सिर्फ वितर ही बाकी है तो पहले आप वितर पढ़ लो एक रकत, फिर दो सुन्नतें फजर की, फिर दो फर्ज। नियत कैसे होती है नमाज की, पहले तो मुझे ये बताइए। उर्दू में नियत हो रही है और नमाज किस में हो रही है? उर्दू में नियत करते हैं नमाज की, तो फिर दिल में करते हैं। अरबी बताइए, कोई अरबी पता है आपको? मुझे तो नहीं पता, ऐसी कोई नियत के अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं है।